तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अल्टीमेट मूवीज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सीरियल किलर पर आधारित साउथ की टॉप 10 मूवीज जो हिंदी में ही अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों की इनमें से लगभग सारे मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। इनमें से दो मूवी ऐसी है जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, तो उस मूवी को देखने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि जो मूवी यूट्यूब पर नहीं मिलती वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो मिल ही जाती है। तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत काम आएगा। बाकी अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पर है साल 2021 में रिलीज हुई एक तेलुगु भाषा की मूवी अक्षरा। ये मूवी एक साइको क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसके लीड रोल में नंदिता श्वेता अजय घोष जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। 67% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। तो फिल्म की कहानी एक गरीब और बहुत ही मेहनती एक लड़की की है, जो बड़ी होकर एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो कॉलेज में सभी प्रोफेसर का एक एक करके हत्या कर देती है। तो आखिर वो ऐसा क्यों करती है, ये सब के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। दोस्तों, इस फिल्म में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे ना, जो आपके होश उड़ा देंगे। तो दोस्तों, ये मूवी आपको YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस मूवी को देख सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 9 पर है साल 2022 में रिलीज हुई एक तमिल भाषा की मूवी पोईकल कथुराई। पोईकल कथुराई एक मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसके लीड रोल में प्रभु देवा, बरला लक्ष्मी जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। 93% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी कथुरवन नाम के एक आदमी की है, जो अपने बायां पैर और अपने पत्नी को खोने के बाद भी अपने बेटी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने बेटी को जाने के लिए एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी को किडनैप करने का प्लान बनाता है। तो आखिर ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी, जिसके लिए उसे किसी को किडनैप करने का प्लान बनाना पड़ता है, ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। दोस्तों, ये मूवी आपको जितनी सिंपल लगती है ना, उतनी सिंपल है ना। इस मूवी में आपको इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे ना, और इस मूवी में इतने सारे सस्पेंस देखने को मिलेंगे ना, जो आपके होश उड़ा देगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हो तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस फिल्म को देख सकते हो। तो दोस्तों, नंबर 8 पर है साल 2006 में रिलीज हुई एक तमिल भाषा की मूवी ई। ये मूवी एक मेडिकल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसके लीड रोल में जीवा, नयनतारा जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। 77% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में ईश्वरन नाम का एक अनाथ लड़का है, जो पैसा कमाने के लिए अपने दोस्तों के साथ बस्तियों में छोटे मोटे क्राइम करते हुए बड़ा होता है। लेकिन उसके जीवन में भयानक मोड़ तब आता है जब वो डॉक्टर रामकृष्ण के बुरे प्लान में फंस जाता है। तो आखिर डॉक्टर रामकृष्ण का क्या था प्लान, और ईश्वरन इन सब को कैसे हैंडल करेगा, ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। दोस्तों, ये मूवी गोल्ड माइन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस फिल्म को देख सकते हो। दोस्तों, नंबर 7 पर है साल 2013 में रिलीज हुई एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी अंकुर अरोरा मर्डर केस। दोस्तों, यह भी एक मेडिकल क्राइम मूवी है, जिसके लीड रोल में केके मेनन, अर्जुन माथुर जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। 85% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में डॉक्टर अस्थाना के एक छोटी सी लापरवाही के कारण एक 8 साल के बच्चे अंकुर की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो अपने और अपने हॉस्पिटल के रेपुटेशन को बचाने के लिए इस मैटर को आउट नहीं होने देते। लेकिन जब ये सब अंकुर के माँ को पता चलता है तो वो डॉक्टर से कैसे बदला लेती है, ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। दोस्तों, ये मूवी आए दिन हो रहे डॉक्टर की लापरवाही को भी दिखाती है। तो अगर आपने भी इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है तो आपको इस फिल्म को एक बार देख लेना चाहिए। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस फिल्म को देख सकते हो। दोस्तों, नंबर 6 पर है साल 2022 में रिलीज हुई एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी रोए। रोए एक मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसके रोल में सूरज, सिजा, रोज जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। 65% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी रोए नाम के एक व्यक्ति की है, जिसकी इमेजिनेशन अधिक होने के कारण वो अपने सपने और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। लेकिन कहानी तब बदल जाती है जब रोए एक लड़की के साथ रहने लगता है और उसकी पत्नी अचानक
अचानक लापता हो जाती है। तो आखिर उसकी पत्नी अचानक लापता कैसे हो जाती है, ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। दोस्तों ये मूवी शुरुआत में थोड़ी सी बोर करेगी, लेकिन बाद में ये मूवी काफी इंगेजिंग हो जाती है। तो अगर आप भी इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है और अब इस फिल्म को देखना चाहते हो, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस फिल्म को देख सकते हो। तो दोस्तों नंबर 5 फरवरी साल 2022 में रिलीज हुई एक तमिल भाषा की मूवी डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एक साइको क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसके लीड रोल में अरुल, नीति, वांटिका मिश्रा, चरणदीप जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 89% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की पूरी कहानी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अराउंड घूमती है, जहां कुछ लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब होने लगती है। लेकिन जब कॉलेज के लड़के अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस रहस्य का पता लगाते हैं, तो एक चौका देने वाला रहस्य खुलकर सामने आता है। तो आखिर ऐसा कौन सा रहस्य खुलकर सामने आता है, ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। दोस्तों इस फिल्म में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न है, जो कहानी में आपको अंत तक देखने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म को नहीं देखा है और अब इस फिल्म को देखना चाहते हो, तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस फिल्म को देख सकते हो। तो दोस्तों नंबर 4 पर है साल 2022 में रिलीज हुई एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी CBI 5 द ब्रेन। दोस्तों ये मूवी एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसके रोल में ममूती, मालविका मेनन जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 82% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी शहर में हो रहे सीरियल किलिंग के अराउंड घूमती है, जहां पुलिस भी इस केस को सॉल्व करने में असमर्थ है, जिसके बाद CBI ऑफिसर सेतुराम अपने टीम के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो क्या वे लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस केस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। इस मूवी में आपको इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे ना, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये मूवी शुरुआत से ही सस्पेंस बनाए रखती है और मूवी को अंत तक देखने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हो, तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस फिल्म को देख सकते हो। तो दोस्तों नंबर 3 पर है साल 2022 में रिलीज हुई एक तमिल भाषा की मूवी द लास्ट पेज। द लास्ट पेज एक मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसके लीड रोल में राजेश, अमृता, श्रीनिवास जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 82% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में एक इंडिपेंडेंट लड़की है, जिसकी हत्या उसी के अपार्टमेंट में हो जाती है। लेकिन जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, तो एक चौंका देने वाला रहस्य खुलकर सामने आती है, जिसकी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस मूवी में आपको इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, जो आपके दिमाग को घुमा देगी। तो दोस्तों अगर आप भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन मूवी देखना पसंद करते हैं, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखना। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 2 पर है साल 2021 में रिलीज हुई एक तेलुगु भाषा की मूवी पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक एक साइको क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसके लीड रोल में अभिनय राकेश, कृष्णा, सूर्य कुमार जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। 91% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी में हत्यारा एक आदमी और एक औरत की हत्या करके उसके बॉडी पार्ट को अलग अलग रखवा देता है, जिसके बाद ये केस इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर आदित्य को सौंपी जाती है। लेकिन कहानी में तब आती है जब CCTV फुटेज से एक चौंका देने वाला रहस्य खुलकर सामने आता है। तो क्या है इस केस का रहस्य, कौन है हत्यारा, ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। दोस्तों ये मूवी शुरुआत से ही सस्पेंस बनाए रखती है और मूवी को अंत तक देखने पर मजबूर करती है। तो अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हो, तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस फिल्म को देख सकते हो। तो फाइनली दोस्तों नंबर 1 पर है साल 2022 में रिलीज हुई एक तमिल भाषा की मूवी वेजम। वेजम एक मिस्ट्री क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जिसके लीड रोल में अशोक सेलवन, ऐश्वर्या मेनन जैसे और भी कई बड़े कलाकार नजर आएंगे। और इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 89% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी अशोक और लीना नाम के दो कपल के अराउंड घूमती है, जहां अशोक की गर्लफ्रेंड लीना का मर्डर हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इन्वेस्टिगेशन में एक सीरियल किलर का पता चलता है, और सबूत के तौर पर उस सीरियल किलर का सिर्फ वॉइस है। तो क्या अशोक उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको पूरी मूवी को देखनी होगी। मूवी काफी इंगेजिंग है, जगह जगह पर ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, जो मूवी में आपको अंत तक देखने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हो, तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस फिल्म को देख सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।